जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने आज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी और देश के नए सीजेआई के लिए नामित कर दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ अगले महीने 9 नवंबर को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कौन है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो होंगे देश के 50वें सीजेआई। कौन है जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़? 11 नवंबर 1959 को जन्मे न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सिटिंग जज हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की है। इसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित इनलॉक्स स्कॉलरशिप की मदद से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। हार्वर्ड में उन्होंने लॉ में मास्टर्स, एलएलएम और न्यायिक विज्ञान में डायरेक्टरेट एसजेडी की पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरसरैंड दक्षिण अफ्रीका में लेक्चर्स भी दिए हैं। वे भारत के 16वें और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई वी चंद्रचूड़ के पुत्र हैं। कहां दे चुके हैं सेवाएं? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट के अलावा गुजरात, कलकत्ता, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और दिल्ली के उच्च न्यायालयों में एक वकील के तौर पर प्रैक्टिस की है। उन्हें 1998 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। साल 1998 से 2000 तक उन्होंने भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया। एक वकील के रूप में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के सबसे महत्वपूर्ण केसेस में संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, एचआईवी पॉजिटिव मरीजों के अधिकार, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक अधिकार और श्रम और औद्योगिक कानून शामिल है। साल 2000 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके बाद उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब जस्टिस यूयू ललित के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर 2022 से भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। बता दें, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं और 9 नवंबर से जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अपना कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 2 साल 1 दिन का रहेगा। वो 2024 में 10 नवंबर को रिटायर्ड होंगे। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली।